बाकी हम लिखे पड़े तो है नहीं। जमीन को पड़ा पहाड़ी नहीं, जमीन को पड़ा। ये इतना तो देखा है कि जिस धरती पे हम खड़े वास्तव में इसकी स्थिति क्या है। भूख देखे है, प्यास देखा है, गरीबी देखी है, अमीर देखी है, अनुभव देखे है, अनुभव। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ घनसिंह जी चले आएंगे और आप कब आएंगे हमारे साथ चले? हमारे साथ चलेंगे, जहाँ तक चल पड़े चलेंगे। ना ना आप चलो तेज चलो। आदि शक्ति महामाया नंदा देवी पे एक स्वरचित था कि यहाँ पे क्यों चलता है ये मेला, कब क्यों होता है। तो जय जय जगती माता लाता नंदा माई, जय जय भवानी भवानी जगदम्बा महामाई, जय जय भवानी। अल्प बुद्धि से ये माँ पूजा सुनो रीत, बारह महीना का तेरा सुनो वो रीत। जय जय हो जगती माता लाता नंदा माई, जय जय भवानी भवानी लाता नंदा माई, जय जय भवानी। तेरा नाम बखान कर दो पूजा सुनो दो रीत, अल्प बुद्धि से ये माँ गा दो तेरा गीत। माघ की सष्टम जय जय हो जगती महामाया लाता नंदा माई, जय जय भवानी भवानी लाता नंदा माई, जय जय भवानी। माघ की सष्टमी ओंदी खुलदा तेरा द्वार, अरे माघ की सष्टमी ओंदी खुलदा तेरा द्वार, नाना प्रकार से तेरो होंदो सिरंगार, बारा बाजा बाजना महामाया तेरा थान द्वार, जय जय भवानी भवानी तेरा थान द्वार, जय जय भवानी। ये लंबा बारह महीनों का है, कब तेरे पट खुलते हैं, कब पट बंद होते हैं, कब तेरे मेले लगते हैं, ये पागलपन था। गाय के साथ जा रखा हूँ, लिखा पढ़ा तो हूँ नहीं, होता वही। ये एक सनक है, जो लंगड़ा होता वो सबसे ज्यादा चलता, जो अनपढ़ होता वो ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता, जो जिस चीज को जानता कम है उसके प्रति रुचि होती। इसको क्या कहेंगे, सनक पागल लालसा। मैं लिखा पढ़ा नहीं तो मैं लिखता ही रहा, आधा जीवन मैंने उपन्यासों में लगा दिया, जो जहां मिला उसको पढ़ते रहो। अरे ये क्या है, इतना बुकलेट पढ़े इसमें क्या लिखा है। अगर पढ़ा लिखा होता कहीं पे माना नो, मुझे फुर्सत ही नहीं होती।
अपने कागज नहीं दे पाता, वो साइन ही नहीं कर पाता, ये साइन भी छूट गया। यही है कि घर पर क्या करें, गाय के साथ जाओ, कुछ लिखा जाए या कुछ गाया जाए, कहाँ क्या मेला चल रहा है, चाहे यहाँ से मिलम तक गया, चाहे दक्षिण अफ्रीका गया, यहाँ की बोली भाषा क्या है, इसको टैग, इसकी फोटो, यहाँ का नाम सेंड किया, तो एक सनक है जिसको हम पागलपन ही कहेंगे, ये पागलपन है, माना पागलपन एक सनक जिज्ञासा। अगला कहेगा ये क्या कर रहा है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसका खोपड़ा बिना रहा, ये तो कर नहीं है, इसकी तो फोटो लेनी है, इसको कर नहीं, वो जिज्ञासा ही सना कहे, पागलपन कहे, जिज्ञासा कहे, रुचि कहे, रुचि कहे, क्या नाम रखल है, वो अपने आप में है। अरे वो सामने वाले की सोच पे निर्भर करता है ना, वो किस तरीके से देख रहा है, उसका नजरिया अगला क्या देखता है, हाँ। लेकिन उसका विवेक क्या देखता है, हाँ। उसकी डगर तो वहीं पे है, मुझे अभी नदी में नहाना है तो नहाना, अगला कहेगा ये पागल हो गया, धूप छिप गया, ठंडे पानी में अभी नहाने ले जा, वो उसका अपना जिज्ञासा है, उसकी अपनी सनक, सच कोई किसको कैसा नाम दे दे, वो पागलपन कह दे, सनक कह दे, या मन क्या कह दे, वो क्या करना, अभी तुम मुझे या थर नदी किनारे जाके नहाना, तो अब उसको अगले की सोच से लेन देन थोड़ी, उसका दिल बोल रहा है ना, उसका विवेक बोल रहा है मुझे नदी किनारे, लेकिन अगले गए उसको पागल कुत्ते ने काट का सा, अभी मन सांस करते वक्त इस ठंडे पानी में नहाने के ये पगला तो नहीं गया, तो उन्हीं चीजों का है, कौन कहाँ पे कौन सा फोटो खींचे, किस उद्देश्य से क्या है, वो कल को काम लगेगा, पर उस समय तो उसकी खोपड़ी वही काम कर रही है ना, आपकी बात पल्ले पे आए ना आए, पर अगर टेप रिकॉर्ड कर दी, ये क्या क्या बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, कुमाऊं की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं, हिमाचल, वो टैग कर रहे हैं, भले मेरा कुछ काम न लगे, पर वो मन कैसेट बन गया, वो एक मानव बीमारी है, इसको जो भी नाम दे दो, अरे ये मैंने किए है बड़े ढंग से भयंकर, ये जो भी मिला, जो आज आप लोगों से बात कर रहे हैं या दूसरे से बात कर रहे हैं, ये वो पागलपन की देन है, इस बीमारी की देन है, जहां गए वहां कुछ न कुछ झटका है, ठीक क्या है, जब मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में गए पहले रोड जा रहा हूं, बुलाओ आ गया, अरे वो गांव का मन बड़ा शेर बनता है, दिल्ली में जरा आके देख ले, सनकपन के पहले ही मुझे यहाँ से सूचित किया गया था तुमसे, सुनील ने भी कहा था कि सीधा माना बस अड्डे से थ्री व्हीलर का है ना 70-75 रुपये जो भी ना, सीधा जेनियो चला जाना, मैं दिमाग खराब हो गया, अरे दिल्ली आ रखा, दिल्ली ने देखा तो क्या फायदा होगा, चल लिया झोला कंधे में डाल रखे, जी नहीं जाना है कभी आता ना पता, ये पता था कि कौन सा बस जाता है, अगले पुल पे पहुंचा, वहां तक भटकता भटकता झूले कंधे में रखा, दिल्ली देख रहा, पुल पे 65 नंबर का बस मिल गया, वो उसको हाथी उसने रोक लिया, बैठा उसमें चल लिया, टाई टू पहन रखे, वहां चोर भी तो ऐसा नहीं है कि हम जैसे गरीब या हमारे चप्पल में भाग, वो सूटेड बूटेड लोग हैं, लास्ट के सीट में बैठ रखे, 5-6 लोग थे वो,
बिल्कुल टिप टॉप, मेरे से उम्र में बड़े भी थे कुछ मेरे बराबर के। अब गाड़ी में कहीं जगह तो थी नहीं, कंडक्टर मानो लास्ट वाले सीट के आगे बैठ गया, मैं भी अंदर को जाता। अब ऊपर भी सारी भीड़ पड़ी गलड़ी में भी, मैं भी कंडक्टर के पीछे खड़ा हो गया। उनको लगा ये गांव से कोई आ रखा है, ये झोला पकड़ के। अरे इसने माना यूं टांग कंडक्टर के पीछे वो रेलिंग जो होता है उस पर कर, इसका मतलब इसके आम माल है बात। अब वो भाप लेते होंगे, बोले अंकल बैठ जाओ हम उतर रहे हैं, अब सीट खाली होगी। उनको कहा था ये बस को तो जेन तक जाना है माना हॉस्टल तक, ये वही का इसके बाद तो हत्या लगेगा नहीं, ये तो कोई नहीं आ चला रही है। बोले आप ऊपर जा रास्ता छोड़ दो, अब सीट खाली हो। मैं चल दिया झोला पकड़ के ऊपर, माने जहां से बस का मन सीधा वो गैलरी वाला, वो जम के 6-7 लोग मेरे अगल बगल ऐसे चिपट गए। अरे अंकल पर रास्ता तो छोड़ो ना, जरा झोला उठा। और मैंने झोला यूं उठा और खटिया हाथ डाल दिया, पकड़ा मैंने उनके हाथ। मैं क्या है अबे क्या हो गया? अरे चल दे बस में ऐसे निकले वो बाहर। अरे बस चली रही, कंडक्टर चुपचाप अगले पैसेंजर क्या हो गया क्या हो गया? मैं ये साला मेरे यहाँ हाथ डाल रहे पीछे ने देखा, अरे ठीक ठाक टाइट ही पहन रखे सूट बूट में है लोग, ऐसी छलांग मारी। तो वही एक अनुभव, वो चल दे बस में तो निकल गए। पर मुझे पता हो कि चोर माना कोई माना एक गरीब या गया गुजरा फटे हाल नहीं है इसमें, माना कुछ का पेशा ही ये है, पेशा ही सही है कि कहां से क्या। बहुत कुछ उन्हीं चीजों का है कि सीखने को मिलता है, और ये मरने तक माना सीखने के लिए मिलता रहता है। हम मर भी जाएंगे तो भी आधा अधूरे ही मरते हैं, आत्मा फिर भटकता, अरे ये काम नहीं किया। जैसे मानो ये अभी बाजा बजा रहे थे, या दूसरा अपने पितरों के लिए घड़ा डालते हैं, या अवतरित हो जाते हैं, क्यों? इसका मतलब है कि वो कुछ अभिलाषाएं कुछ आशाएं माना जिसको वो करना चाहते थे वो पूरा नहीं कर पाए, जिसको वो माना अधूरा छोड़ गया, जिसको वो करना चाहते जो सीखना चाहते थे वो नहीं सीख पाए, या माना तो ये जीवन लीला है। अगर वो आत्मा वापस जब चले गए तो यहाँ क्यों भटकता है भाई? उसने कुछ तो अभिलाषाएं उसकी या मना रुचि छूट गई कि यार मुझे ये भी करना था पर नहीं कर पाया, वो अधूरा छूट गया, तो उसकी आत्मा भटकेगी। तो ये मना कई चीजों का है कि आदमी यहाँ से जो भी जाता है वो संपूर्ण, कोई भी नहीं जाता संपूर्ण होके नहीं जाता कि पूर्ण ज्ञाता हो, सब मना सुलझा के चले गया हो, कुछ न कुछ यहाँ अधूरा छूट जाता है जो उसके ख्वाब रहती है। ये तो करना था पर कर ही नहीं पाया, तब तक उसकी मौत हो गई, तो उसकी आत्मा फट गया। अरे मैंने सोचा तो था जमीन तो खरीदी, न्यू भी डाल सकते, बिल्डिंग तो बनाएंगे, पीछे वाले बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो बिल्डिंग पूरा होगा, तो उसकी आत्मा यहाँ भटकती रही। मैंने जमीन पे भी खर्च किया, पत्थर में भी खर्च किया, अब वो बच्चे माना बिल्डिंग बनाएंगे नहीं बनाएंगे कैसा बनाएंगे, जैसा मेरा सोचता तो वैसा होगा नहीं होगा, तो आत्मा भटकने का और काहे के लिए आते हैं यहाँ,
जब हमने जला दिया चिता में, मैं उसको फूंक भी दिया, फिर भी वो दौड़ के आ रहा, क्यों आ रहा है? क्योंकि वो माना कुछ अभिलाषाएं, अभिलाषाएं जो उसने सोचा था वो पूरा नहीं कर पाया।